श्री गुरुदेव जी मेरे श्री गुरुदेव जी ताके लागू पाऊं ताके लागू पाऊं हाथ जोड़ विनती करूं हाथ जोड़ विनती करूं मोहे हृदय बसो भगवान मोहे हृदय बसो भगवान हाथों से करें सेवा प्रभु की हाथों से करें सेवा प्रभु की हृदय में उनकी छवि विराजे हृदय में उनकी छवि विराजे निशदिन नाम सुमिर सुमिर के 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 भवसागर से पार हो जावे भव सागर से पार हो जावे प्रसन्न रहें हम हर हालत में प्रसन्न रहे हम हर हालत में माया जग को बिसरावे माया जग को बिसरावे इस जग से है क्या घबराना 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 सतगुरु जब आत्म रूप दिखावे सतगुरु जब आत्म रूप दिखावे आत्म रूप दिखावे साधो आत्म रूप दिखावे साधो ब्रह्म रूप दर्शावे साधो ब्रह्म रूप दर्शावे साधो भव सागर तर जाए साधो सागर तर जाए साधो भव सागर तर जाए सागर तर जाए मन मंदिर में गुरु विराजे मन मंदिर जन को मार्ग दिखावे भूले जन को मार्ग दिखावे शक्ति भक्ति भरने वाले शक्ति भक्ति भरने वाले बिगड़े सबके काज सवारे बिगड़े सबके काज सवारे सतगुरु देव पधारे साधो सतगुरु देव पधारे साधो
जन जन के साधो अज्ञान मिटे जन जन के साधो ज्ञान के देव पधारे साधो ज्ञान के देव पधारे साधो भक्ति के देव पधारे साधो भक्ति के देव पधारे साधो सद्गुणों के फूल खिलावे सद्गुणों के फूल खिलावे लोक और परलोक सुधारे लोक और परलोक सुधारे सतसंग की गंगा बहावे सतसंग की गंगा बहावे जीवन बगिया मुस्काए जीवन बगिया मुस्काए ये ज्ञान के देव पधारे साधो ज्ञान के पधारे साधो बिगड़े भाग्य जगावे साधो बिगड़े भाग्य सवारे साधो करुणा भई है परमेश्वर की 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 सतगुरुदेव पधारे साधो सतगुरुदेव पधारे साधो बेड़ी टूटी दुख दर्दों की बेड़ी दुख दर्दों की हम सबके हैं भाग्य जगे हम सबके हैं भाग्य जगे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो दूर लग रहे थे गुरुदेव के सत्संग में ज्ञान के द्वारा जब विवेक दृष्टि से देखा तो यह दर्शन हुआ कि वह तो हर घट में है घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंद तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद तब मैं शांत होकर आंखें बंद करके उस परमात्मा के स्मरण में डूब गया। ध्यान की गहराई में मैंने ये अनुभव किया कि वही छवि जो मेरे बाहर थी निर्मल उज्ज्वल
दिव्य और पवित्र, जिसे मैं श्रद्धा की आंखों से देख रहा था, वही छवि मेरे अंतर में है। आंख बंद किया तो वही छवि मेरे मन मस्तिष्क में दिखने लगी। मैं प्रसन्न हो गया। ये ध्यान ही है जो मेरे इष्ट को मेरे इतना समीप ला सकता है। मुझे ध्यान के महत्व का अनुभव हुआ। मैंने उस दिव्य पवित्र छवि से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मेरे मार्गदर्शक इष्ट देव, मुझे भूले हुए को रास्ता दिखाओ। मेरा मन भटक रहा है, मेरा चित्त डावांडोल है, मेरे पैर लड़खड़ाते जा रहे हैं, मैं दुर्बल असहाय अपने आप को महसूस कर रहा हूं। ध्यान की उस पवित्र गहराई में मैं डूबने लगा, मानो जैसे मैं खोता गया। मैं महसूस करने लगा कि मैं और गहरे आनंद और गहरी शांति में डूबता जा रहा हूं, जिसकी तलाश मैं बाहर कर रहा था। मुझे लगा, अरे यह कितनी सुखद यात्रा है। शांति और आनंद का समुद्र तो मेरे भीतर था, जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था। मैंने देखा मेरे इष्ट देव कुछ कह रहे हैं। वह गुरुवाणी पुनः मेरे भीतर मुझे सुनाई थी, हे शिष्य तू चिंता क्यों करता है, भयभीत मत हो, मेरा वरद हस्त सदैव तेरे सिर के ऊपर है। अमृत पुत्र शक्ति भक्ति मुक्ति के ये द्वार तेरे लिए खुले हैं, तू मांग तुझे मिलेगा। अनंत शक्ति का द्वार खोलने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। निरर्थक इन निराशा हताशा के आंधियों में तू भटक रहा है। न जाने कितने सदियों, नहीं कितने युगों युगों से, जन्म जन्मांतरों के चक्रों में, माताओं के गर्भ में तू लटक रहा है। तूने न जाने कितने दुख सहे, न जाने कितनी पीड़ाएं,
तेरी श्रद्धा और भक्ति, मेरी करुणा और कृपा का संगम तुझे मेरे निकट लाया है और ये वाणी सुनने के तू काबिल हुआ है। अब निश्चिंत हो जा, तेरे भीतर छुपे हुए उस ज्ञान की पिटारी में खोल देना चाहता हूं कि जिसको प्राप्त करके तू जन्म मरण के चक्करों से सदा के लिए छूट जाएगा। मेरी खुशी का कोई पार नहीं रहा। मैं गदगद हो रहा था, रोमांचित हो रहा था, पुलकित हो रहा था। मैंने और उस ध्यान की गहराई में प्रवेश किया। मुझे आंख खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं इस बाहर की दुनिया से मानो हट सा गया था। कौन क्या कर रहा था मुझे महसूस नहीं हुआ। कोई मेरे लिए अच्छा सोच रहा था या बुरा, मैंने इसका चिंतन भी छोड़ दिया। गुरुदेव की वाणी मुझे और स्पष्ट सुनाई देने लगी। हे अमृत पुत्र, हे शाश्वत, हे निरंजन, हे आनंद स्वरूप, अमरता तेरा स्वभाव है, प्रसन्नता तेरा धर्म है, अकर्तापन तेरी जाति है, मोह माया के दलदल से ऊपर उठ। तुझे बांधा किसने है, यही तेरी तृष्णा, यही तेरी वासना, यही तेरा अज्ञान, जिसकी बेड़ियों में तू खुद बंधा है। ठीक वैसे बंधा है जैसे मकड़ी खुद के बनाए जाले में खुद ही फंस मरती है। अगर वो चाहे तो खुद ही निकल सकती है। पुरुषार्थ कर, हे शिष्य, तेरा कल्याण हो। हिम्मत कर, साहस कर और अपनी बनाई हुई वासना तृष्णा अहंता ममता के इन जालों को तू काट दे और बाहर आ। अनुभव कर कि तू सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तू सनातन है शिष्य, तू जन्म मृत्यु से रहित है। अज्ञान के अंधकार में तू न जाने कितने युगों युगों से सोया है। अब न जागेगा तो फिर कब जागेगा, अब न निकलेगा तो कब निकलेगा, अब न पाएगा तो फिर कब पाएगा, अब न उठेगा तो फिर कब उठेगा। मेरे गुरुदेव की वाणी से मुझे जैसे हिम्मत मिली,
मैं अपने भीतर बल का अनुभव करने लगा और मुझे उनकी सत्यवाणी अक्षरशः सत्य लगने लगी कि हाँ, मुझे कोई बंधन नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई तनाव नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं, मैं तो निर्दुख हूँ, निश्चिंत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ। मैं शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि तीनों चारों स्तरों से ऊपर उठने लगा। मेरा बोझ मानो कम होने लगा। मैं अपने आप को हल्का महसूस करता जा रहा था और मुझे कैसे स्वरूप का दर्शन हुआ कि जो हानि रहित नित्य निरंजन है, एक दिव्य आनंद और दिव्य शांति ही जहां मेरा स्वरूप थी। मेरी आंखों में वह शांति प्रकट हो रही थी। बंद करूं तब भी वही दिखता, जब खोलता तब भी वही दिखता। एक अलग दृष्टि, ध्यान दृष्टि की ज्ञान दृष्टि, मुझे इस पचड़े से क्या काम। लेकिन वह दृष्टि निरापद थी, निरावरण थी। मैंने सोचा अब यही दृष्टि रखूंगा, लेकिन वह दृष्टि कभी संगय सा मिलता कि वह दृष्टि मंद पड़ती। मैं पुनः प्रार्थना करता, ध्यान में उतरता, तब वह दृष्टि फिर मिलती। जब मैं विक्षिप्त हो जाता तो मैं ओमकार का गुंजन करता, मेरे मन को तसल्ली मिलती, शांति मिलती। मैंने सोचा यही गुरु भाव है कि आत्म भाव है कि ब्रह्म भाव है, लेकिन वह भाव पवित्र और दिव्य था और उसी भाव में मैं रम गया। वही भाव कई शिष्यों के मन में प्रकट हो और वह लघु गुरुत्व की ओर आगे बढ़े।